सौती करीस कठौती पर काहे उतरता आ अरे रीस कहीं और बा निकड़ा तक कहीं और हम बुझाता नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यही कहने चाहते हैं कि बार बार लगातार हर रोज 3 दिन से लगातार वीडियो आ रहा है मालती का, कह रही है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लगा कि माफी मांग रही है, बहुत अच्छे तरीके से माफी मांग रही है। अभी जाके उसको दिमाग खुला है, अब जाके इसके पहले उसका दिमाग नहीं खुल रहा था, बच्चे वाला दिमाग कह रहे थे ना आप लोगों से, बच्चे वाला दिमाग है बिल्कुल। उसको बच्चे जैसे कोई मिसयूज करता है ना, उसी तरह से उसको सच में कोई मिसयूज कर रहा था, मुझे तो यही लग रहा है। और अभी जो उसका मैं वीडियो देखी, सच बता रही हूँ, इतना दिन से मैं जितना वीडियो देखी उतना मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन आज वाला उसका वीडियो देख के मेरा बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि उसमें उसने बोला है कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने काली जगदीश बिरयानी के विष्णु के घर जाऊंगी। आप लोग बार बार एक ही बात आप लोगों से कहते हैं दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बिना सच्चाई जाने नहीं कोई वीडियो बनाना चाहिए, नहीं कुछ करना चाहिए। आप सभी लोग कहते रहे कि ऐसी है वैसी है, चाहे जैसी भी है, आखिर अपने पति से प्यार नहीं करती तो कैसे कहती कि हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, आप ही के पास रहेंगे, आपके अपने पति अपने पति के पास रहेंगे। आप बताइए, उसको भी पता है कि उसके उसको जितना विष्णु प्यार कर सकता है उतना और कोई नहीं प्यार कर सकता है, जितना उसके बच्चे का बाप उससे प्यार कर सकता है ना, उससे और कोई प्यार नहीं कर सकता है। जितना उस बच्चे से उसका बाप प्यार कर सकता है ना, उस बच्चे से कोई और नहीं प्यार कर सकता, उसको सब कुछ पता है। लेकिन उसके माइंड में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आप तो वही जानेगी। सारा प्यार का भूत निकल गया, सही बात है, भूत निकल गया ना, तभी से हम लोग तब से समझा रहे थे जिस दिन सुलह करके गए थी, अरे मानते हैं विष्णु ने तुम्हारा शादी करवा दिया, मानते हैं, तुम कैसे थी, तुम कैसे होने दिया ऐसे। मैं पूछती हूँ, तुम मुझसे बोलती हो कि हम शूटिंग होत रहा है, क्या कह रही थी जी, शूटिंग हो रहा, हाँ, हमके कुछ समझ हम ना आवत रहा, हम सही शूटिंग होता, शूटिंग होता ऐसे बोली। चलो माइंड खराब था मानते हैं दोस्तों, वो सब कूड़े देंगे, जितना कूड़े देंगे उतना उभरेगा, है कि नहीं, जितना कूड़े देंगे उतना उभरेगा। लेकिन इसमें गलती मालती को भी, मालती का भी तो है, अभी भी तो गलती है मालती का, बहुत कम गलती नहीं, मालती का ज्यादा गलती है। जा काट के फेंक दा। नहीं वो बात नहीं है, फालतू रे बतिया, मालती का गलती है इसमें। और देखिए एक हाथ क्या करे, गलती नहीं का, अब क्या करे, हमारे काम रहे उन सब, वैसे ही आप बोल रहे हैं एकदम से, उन सब को झगड़ा हमसे मत झगड़ा करिए। देखिए दोस्तों, आप लोग सच बताइए, आप उसमें मालती का गलती नहीं है, लड़का दूध पीता बच्चा तो है नहीं, हो कि कोई दूध पीता बच्चा है जो जैसे कहेगा वैसे करेगा। तो हम क्या बोलते रहनी, अभी कुछ बोल गोल घुमावत रहनी है, क्या के ओके, तो आप कह रही है बच्चे की तरह दिमाग है, तो हम दूध पीता बच्चा नहीं, बच्चा एक दिमाग नहीं रहता क्योंकि वो मिसयूज कर लेता का, सब मन बढ़ाई है, मन बढ़ाई, इसलिए हम नहीं बोलते, इसलिए हम पीछे थे। मत बोलिए, आप ही बना, बोलिए आप ही, मैं कब नहीं बनाई वीडियो, का परेशान कर, घर बस रहा है तो अब देखिए दोस्तों, सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब सिर्फ एक हाँ विष्णु की देरी है, विष्णु ला के उसको रखे, जाके ले आए उसके घर से और अपने पास रखे। विष्णु अगर उसको ला के रख लेता है सारा मैटर ये एकदम सेट आउट हो जाता है, और विष्णु से हाथ जोड़ के कहते हैं विष्णु उसको जाओ ले आओ अपने घर पे, तुम्हारे बच्चे की माँ है वो, अपने घर पे ले आओ, अपनी इज्जत अपने घर पे रखो, उसके साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मारपीट नहीं करने का, मारपीट करने से इज्जत नहीं मिलता है बाबू, मारपीट करने जानते हो कम मर्द के वजह से, जानते हो औरत के आंख में जानते हो आंसू कब आना चाहिए, प्याज छीलते समय औरत के आंसू मर्द के वजह से नहीं आना चाहिए, उसको तब मर्द नहीं कहा जाता है। मर्द को हम मानते हैं कि औरत भी का गलती होता है, पति पत्नी का दोनों का गलती होता है, लेकिन बाबू कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम अभी भी कह रहे हैं कि तुम दोनों का गलती है, तुम दोनों लोग, उसने तुमसे माफी मांग लिया तुम मत मांगो, कोई बात नहीं, मत मांगो माफी, तुम्हारा ईगो इसमें हट हो रहा है तो मत मांगो माफी, हजारों बार लाखों बार तुमको वो माफ किया, एक बार उसको तुम माफ करके उसको अपने बच्चे के लिए उसको अपने घर ले आओ, 10 दिन 2-4 दिन रहोगे जो तुम्हारा प्यार खत्म हुआ वापस आ जाएगा, ठीक है। और रह गई बात समाज की, तो समाज में तो तुम ही लाए हो, कोई और तो लाया नहीं,
सच्चाई तो यही है। अब तुमको शर्म लग रहा होगा कि किस मुंह से उसको ले आएंगे, तो बाबू अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसको तुमको लाना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये तुम भी जानते हो कि उसको तुम्हें लाना पड़ेगा, ठीक है? तो देरी ना, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए, ठीक है? और उसको ले आओ, अपने घर ले आओ, अपने बच्चे को ले आओ, अपनी बीवी को ले आओ, और इतना अच्छा फैमिली है तुम्हारा, हैप्पी हैप्पी रहो, है कि नहीं? इतना अच्छा फैमिली है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इतना अच्छा फैमिली है उसके, हैप्पी हैप्पी रहो, मैटर को एकदम शांत करो, हम लोग भी अपना अपना काम करें बाबू। बार बार कोई कोई वीडियो आ जा रहा तो वीडियो बनाना पड़ जा रहा, क्या करें? इस मैटर में हम भी हाथ डाले हैं तो हमको वीडियो जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई मैटर तुम करते हो, तुम्हारे पर तो हम नई वीडियो डालते हैं। उसी दिन डाले थे जो ड्रिंक वाली बात थी, उसी पर हम तुमको बोले थे। बाकी मालती का कोई मैटर हो, कोई और बोल रहा है, तब हम वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों आप लोग से बता देना चाहते हैं, इन लोग का मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है ना, भगवान से ही मनाते हैं, छठी मैया का त्योहार बोल रहे हैं, छठी मैया, इन लोग का घर बस जाए अच्छी खुशी से, इन लोग का घर बस जाए, हम लोग भी अपने अपने काम में जुड़ा जाए, अपने अपने रोटी रोजी में जुड़ा जाए, क्योंकि हम लोग का भी कई जो गाना का शूटिंग करना है नहीं हो पा रहा है, अब हमको लग रहा है कि छठ के बाद ही होगा। सब मीडिया वाले बाहर है, आके इंतजार कर रहे हैं हमारे घर, दोस्त बता दे, सारे बहुत सारे मीडिया वाले आ रहे हैं बाहर, घर के बाहर आया के इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों हम भी इंसान है, कोई पत्थर तो है नहीं, हमको भी मेहनत लगता है, बोलने में मेहनत नहीं लगता है, आप लोग तो जानते हैं, मीडिया जब इंटरव्यू लेने लगता है तो आधा आधा घंटा इंटरव्यू लोग लेते हैं, वो भी बारी बारी पारी पारा लेते हैं, पांच पांच छह छह लोग एक एक बार में आते हैं, अब पारी पारा इंटरव्यू लेते हैं, बताइए, बोलते बोलते पेट का नस दुखने लगता है। एक तो मुझे खांसी आ रहा है, कई दिन से गला दुख रहा है मेरा, परेशान हूँ मैं, दवा दो दो सिरप ला के रखा हुआ है, एक सिरप खत्म हो गया, दूसरा का सिरप यहाँ पे रखा हुआ, दीजिएगा बुला गई, ये तो खत्म हो गया है। तो दोस्तों मैं भी यही चाहती हूँ विष्णु, तुम ज्यादा रायता मत फैलाओ, राय का पहाड़ मत बनाओ, बना तो चुके हो लेकिन अब मत करो, क्योंकि हम यही कहेंगे तुम्हारी बीवी है घर की, तुम्हारी लक्ष्मी है, और जब तक तुम्हारी घर की लक्ष्मी तुमसे दूर रहेगी, संस बरकत भी घर में नहीं आएगा बाबू, उसको जाओ ले आओ अपने घर पे, ठीक है? और हाँ, सजा किसी को देना ही है तो हम ओपन कह रहे हैं तुमसे, जाओ बिंदास अर्जुन के ऊपर कल्याण करो, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे वाइफ का मिसयूज नहीं हुआ। दोस्तों इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, कुछ गलत लगा होगा तो माफ कर दीजिए। और दोस्तों एक और बात बता दे, ये दवा दिखाया है इसके लिए आप लोग गलत मत समझिएगा, दोस्तों रियल में तबीयत खराब है, कल मतलब मेरा बहुत ज्यादा बुखार भी था, रियल में एकदम गला वाला दुख रहा है, यहाँ पे सूजन हो गया हल्का हल्का, दोस्तों सूजन हो गया है, बोल नहीं पा रहे, गला गुड़गुड़ा पानी कर रहे हैं, डॉक्टर क्या से दवा भी मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करे, दवा खा रहे पी रहे हैं, और पता नहीं कैसा लग रहा दवाइया। और दोस्तों आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, शाम का समय है, देखिए मैं ब्लैक चाय पीती हूँ, बहुत बकाते हैं दोस्तों, मैं तो केवल चाय पे ही जीता हूँ, खाना भी खाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन देखिए आज हम नहीं पता नहीं शायद नहीं खाना खाए रुड़िया मम्मी करे बेटा, हम खाना खाए रोटी ले आए बस, खाली जानते हैं दोस्तों, सब्जी भी तो है खाली, जानते हैं दोस्तों गलती इसमें मालती का भी है और विष्णु का भी है, और तीसरा तो मजा मार ही रहा है, तीसरा देख रहे हैं किस तरह से बोल रहा है कि हम दोनों का रखा भी ऊपर और नीचे, आज कहीं ना कहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं मालती लाइन पे आई है, क्यों सुसाइड करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे, किसी को जाते सबसे पहले जितने लोग मालती के सपोर्ट में वीडियो बनाए सबसे हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सबके वजह से आज मालती बची हुई है। आप लोगों से बता देते हैं दोस्तों, ये मालती के चक्कर में बहुत गाली सुनी है, ये भी जान लीजिए, केवल मालती के चक्कर में गाली सुनी है, किसी का घर बसाने के चक्कर में खुद को गाली सुनी है, जबकि एक मालती को इससे जब झगड़ा की थी तब गाली सुनी थी, एक मालती को बचाने के चक्कर में बहुत गाली सुनी है, हम न जान रहे हैं, वीडियो छोटा छोटा कोई हमारे पास आ रहा है कि मालती का जैसी मालती वैसी आप, इनका भी नाम उसी में शामिल हो रहा है, लेकिन बस ये क्या होता है, आदमी हाथ डालता है किसी का घर बसाने के चक्कर में खुद, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सभी लोग जान रहे हैं कि मालती गलत है, विष्णु भी गलत है, गाली दे सोटेला, विष्णु भी गलत है और मालती भी गलत है, एक बात बता दी भाई, अर्जुन का क्या है, वो तो पीने खाने वाला आदमी, वो मस्त मौला है, उसके घर ही के लोग कह रहे थे वो खिलाड़ी है,
तो भाई खेल खेल रहा है। उसके घर के ही लोग कह रहे थे भाई वो पीने खाने वाला मस्त मौला आदमी है, खिलाड़ी है वो, तो खेल रहा है। जैसे गांव में नहीं होते कोई पियक्कर टाइप में खिलाड़ी होते हैं, तो वही समझ लो देखने में खाली भोला लगता है दोस्तों। भोला है नहीं, मैं उससे मिला हूँ, मुझे मालूम है। चलिए कोई बात नहीं,